एक साइंटिस्ट एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे अतीत के हर एक घटनाओं को वो अपने आंखों के सामने देख पाता है। इको टॉर्च मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में एक साइंटिस्ट एक दीवार को देखते हुए दिखाई देता है, फिर वहाँ पर वो साइंटिस्ट एक लाइट बल्ब की तरफ जाता है। जब वो आदमी उस लाइट की रोशनी को बढ़ाता है तो एक स्टैचू की रिफ्लेक्शन उस रोशनी के पास दिखाई देता है, तो वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है, पर ज्यादा ऊर्जा के कारण वो बल्ब फट जाता है। गुस्से में आकर वो आदमी उस बल्ब को फेंक देता है। फिर कैमरा घूमते ही दिखता है कि वहाँ पर पहले से ही ऐसा बहुत सारा बल्ब वो फेंक चुका था। उसके बाद पैकेट से एक और बल्ब निकालता है और एक लिक्विड से उसको भिगाता है। फिर वो उस नया बल्ब को उस मशीन में सेट करता है और पावर ऑन करता है, और इस बार ये बल्ब इस ऊर्जा को सहन कर लेता है और बल्ब से एक ब्लू कलर का रोशनी निकल रहा होता है। उस लाइट के ऊपर कुछ देर के लिए एक हाथ मंडराते हुए दिखाई देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और फिर उस रोशनी में एक माइनर भी दिखाई देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और फिर जब साइंटिस्ट उस बल्ब को उस माइनर के रिफ्लेक्शन की तरफ धकेलता है तो उस लाइट का तार अनप्लग्ड हो जाता है और वो माइनर भी गायब हो जाता है। वो साइंटिस्ट एक दुकान जाता है और एक मेटल का रॉड खरीदता है और काम शुरू कर देता है। फिर वो एक अबंडेंट घर में जाता है जो कि बहुत ही पुराना था। वो फ्लैशलाइट जला के अंदर जाता है और उस फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे एक जगह एक अजीब सी परछाई दिखाई देता है। कैमरा में उस फ्लैशलाइट को फोकस किया जाता है तो दिखाई देता है कि वो साइंटिस्ट उसकी पुराने इन्वेंशन को अपग्रेड करके एक टॉर्च में तब्दील किया है। तो वो जब उस लाइट को ऊपर करता है तो दिखाई देता है कि एक खिलौना जैसा कुछ हवा में मंडरा रहा है, और वो साइंटिस्ट फिर अपना सर हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना सर हिलाता है, और जब वो हाथ हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना हाथ हिलाता है। फिर साइंटिस्ट अपना लाइट ऊपर की तरफ करता है तो दिखता है कि ऊपर कोई भी नहीं है, और वो पुतला कुछ तारों की मदद से अकेले ही झूल रहा है। फिर वो एक बड़ा सा रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक म्यूजिक प्लेयर दिखाई देता है, तो वो उस प्लेयर के ऊपर ब्लू लाइट फेंकते ही कुछ गाना बजने लगता है और कुछ कपल्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ से उस घर के एक दूसरी जगह जाता है और टॉर्च से देखता है कि कुछ मछलियाँ हवा में तैर रही है। फिर वो चलते रहते हैं और अचानक उसे किसी का चीखने की आवाज और गरजने की आवाज एक साथ सुनाई देता है। तो जिस रूम से वो आवाज आ रहा था वो उस रूम में जाता है। उस रूम की दीवार पर बहुत सारा खरोचने के निशान थे, और वो उस लाइट से देखता है कि कोई उस दीवार की तरफ मुंह करके गरज रहा है। शरीर से तो वो इंसानों की तरह दिख रहा था, पर उसके आंख और चाल चलन जानवर की तरह था। तो वो जानवर उस साइंटिस्ट की तरफ देखता है और गुस्से में आके साइंटिस्ट की तरफ बहुत सारी चीजें फेंकने लगता है। तो इसी वो टॉर्च का लाइट टूट जाता है, फिर उसी वो जानवर दिखाई नहीं देता है, और इस सब के बाद वो डर जाता है और एक दूसरी रूम में जाके जल्दी से अपना टॉर्च का बल्ब चेंज कर लेता है। उसके बाद वो जानवर फिर से दिखाई देता है और साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और वो टॉर्च को भी टच कर देता है। तो इसके कारण उस जानवर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो साइंटिस्ट सीढ़ी से नीचे आता है और वहाँ एक कमरे में उसे एक औरत दिखाई देती है। फिर वो औरत साइंटिस्ट की तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। वो साइंटिस्ट अपना हाथ आगे करता है, पर चाहते हुए भी वो औरत उसे छू नहीं पाता है। फिर वो साइंटिस्ट उस औरत को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर म्यूजिक प्लेयर था। म्यूजिक प्लेयर के ऊपर फिर से उस टॉर्च का रोशनी गिराता है और फिर से वही म्यूजिक बजने लगता है। तो वहाँ पर बहुत सारा कपल फिर से डांस करते हुए दिखाई देता है, परंतु इस बार सैनिक के यूनिफॉर्म में एक और आदमी वहाँ पर दिखाई देता है, और वो औरत और सैनिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद फिर से वो दीवार दिखाया जाता है जो कि पहली सीन में दिखाया गया था, और वहाँ पर पता चलता है कि वो औरत सैनिक की ही बीवी थी। उसके बाद उस दीवार पर एक फोटो में वो औरत और एक बच्चे का फोटो भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वो औरत इस साइंटिस्ट की ही माँ थी। फिर से उस म्यूजिक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं, और वो साइंटिस्ट इसी तरह अपने मम्मी पापा के आत्माओं को एक दूसरे के साथ मिला देता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ
इस मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दी जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइम मशीन के मदद से बार बार अतीत में जाकर समय के साथ छेड़खानी करने का परिणाम क्या होता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।